चरक ऋषि के अनुसार 70 से ज़्यादा बीमारियाँ आप ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। आपको शायद मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन आयुर्वेद में कोई भी श्लोक मजाक में नहीं लिखा गया है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही ईजी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये उपचार आप घर पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए 70 से ज़्यादा बीमारियों को आप घर बैठे क्योर कर पाएंगे। और ये मैं नहीं कह रही, ये आयुर्वेद कह रहा है। चरक ऋषि अपने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में लिखते हैं कि अगर आप पाद अभ्यंग करते हैं, यानी कि पैरों पर आप मालिश करते हैं, तो आप न जाने कितनी ही बीमारियों से बच सकते हैं। पाद अभ्यंग एक संस्कृत का वर्ड है। पाद मीन्स पैर और अभ्यंग मीन्स मसाज, यानी कि फुट मसाज। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। नया ये है दोस्तों कि शायद आपके फुट मसाज का तरीका होता है या पूरी जानकारी ना होने की वजह से आप उसके बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके कई सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे सीक्रेट्स भी। कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं हम पाद अभ्यंग के द्वारा। इसमें दोस्तों आप ये मान लीजिए कि ब्रेन की बीमारियाँ तो आप ठीक कर ही सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन, मिर्गी, इंसोमनिया, या अगर कोई भी ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है उसे आप क्योर कर सकते हैं। अगर महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि PCOD है, इनफर्टिलिटी है, ल्यूकोरिया है, या फिलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाता है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। पुरुषों से संबंधित कई सारी समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, इंटेस्टाइन से रिलेटेड समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं और अनगिनत समस्याएं, जिसमें कई लाइलाज बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि पार्किंसन, पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग अनदेखे कर देते हैं, लेकिन अगर आप पाद अभ्यंग करते हैं तो इन सारी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। 70 बीमारियां दोस्तों गिनवाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से करते हैं ये प्रोसेस और किस तरीके से आप पाद अभ्यंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये तिल का तेल। आप पहले तो ये जानिए कि आप तिल का तेल यूज़ करेंगे या देसी घी। देखिए दोस्तों, अगर रोगी वात या कफ से पीड़ित है तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल ऐड करेंगे, और अगर रोगी को पित्त संबंधित समस्याएं हैं तो आप देसी घी का उपयोग करेंगे। जो पेशेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनको वात रोग ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे तिल के तेल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं हम पाद अभ्यंग। सबसे पहले तो मरीज़ के पैर धुले हुए होने चाहिए और आपके हाथ भी अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। इस तेल को अपने दोनों हाथों की हथेलियों में अच्छे से लगा लें और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम तलवे से, इस तरीके से, और इस पैर पे भी इस तरीके से हम तलवे से, और पूरा आगे का और पीछे का हिस्सा भी कवर करना है। ध्यान दीजिएगा, आगे का और पीछे का हिस्सा भी, पीछे के हिस्से को अनदेखा मत कीजिएगा, क्योंकि जितना भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो यहीं से चलता है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। एक एक अंगूठे को, एक एक उंगली को, इसके बीच के गैप को, हर जगह को आपको बहुत अच्छे से मालिश करनी है। साथ ही साथ ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये अंदर के और ये बाहर के, ख़ास तौर पे ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्योर करें, क्योंकि पुरुषों में प्रोस्टेट और टेस्टिकल्स और महिलाओं में ओवरीज और यूट्रस की समस्याएं आप यहाँ से क्योर कर सकते हैं। इसलिए इस जगह को बड़े अच्छे से और बड़े जेंटली मसाज करें। इस तरीके से पूरा प्रोसेस करने में दोस्तों आपको 4-5 मिनट ही हार्डली लगेंगे। हार्डली बोल रही हूँ मैं, और चरक ऋषि ने क्या बोला है कि 5 मिनट में आप 70 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान इलाज मुझे नहीं लगता कि किसी भी साइंस में या वेद में बताया गया होगा, लेकिन आयुर्वेद दोस्तों 5000 साल पुराना साइंस है, जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है। आज लोग नई नई टेक्निक्स निकाल रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ये चीज़ें 5000 साल पहले ही बता दी गई थी। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप कांसे की कटोरी से भी पैर की मालिश कर सकते हैं, क्योंकि पाद अभ्यंग का सही तरीका यही है कि आप कांसे की कटोरी का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो हाथों से भी मसाज कर सकते हैं। इतने न्यूमरस अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे आपको कि आप हैरान रह जाएंगे। इसको कीजिएगा ज़रूर। हाँ,
एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको फीवर है, जैसे कि कभी आपको टाइफॉइड है या आपको कभी बहुत तेज़ बुखार है, उस स्थिति में आप पादप्यंग नहीं करेंगे क्योंकि बुखार बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, पादप्यंग की बहुत सारी जानकारी मैंने अपनी एक वीडियो में ऐड की हुई है जो मेरे YouTube चैनल पर है, होलिस्टिक हेल्थ विद डॉक्टर शाइस्ता खान, जिसमें मैंने पादप्यंग प्राचीन आयुर्वेद और उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि पादप्यंग कैसे शुरू हुआ और मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद क्या कहता है पादप्यंग के बारे में। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि शायद इस छोटी सी वीडियो से ना जाने कितने ही लोगों को फ़ायदा होने वाला है, आप कितने शेयर होंगे, कितने ही लोगों तक पहुंचेगी और ना जाने कौन इंसान किस बीमारी से पीड़ित है और उसको आराम आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर रही है तो शेयर करना मत भूलिएगा गाइज, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करना भी एक तरीके का चैरिटी होती है, या आप ये समझ लीजिए एक अच्छा काम होता है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।